जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जो आप देख रहे हैं शिक्षा की खबर। इंतज़ार की घड़ी खत्म हो चुकी है। फाइनली इस वीडियो में बात करेंगे चौथी मेरिट लिस्ट कब आएगी और चौथी मेरिट लिस्ट आप लोग कैसे देखेंगे, कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से ITI संबंधित हर एक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। इससे पहले मैं आप सभी लोग को एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। जिस किसी स्टूडेंट का फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, उनको स्कॉलरशिप का जो है कि फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, स्कॉलरशिप का फॉर्म का लास्ट डेट कब तक है, सब कुछ जानकारी एक वीडियो के माध्यम से दे दी गई है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें, ठीक है, तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, आप लोग वहां से देख सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोग जो है कि ITI में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, यदि आप लोग को जो है कि न्यू फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं और जो चौथी मेरिट लिस्ट लिए अप्लाई किए हुए हैं तो आप लोग नहीं जानते हैं, तो आप लोग को चौथी मेरिट लिस्ट में जैसे ही एडमिशन जो नाम आएगा आपका तुरंत एडमिशन उसमें कराया जाएगा सभी। ठीक है, तो आप सभी लोग डॉक्यूमेंट को साथ में लेके जाएंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। फाइनली इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग का चौथी मेरिट लिस्ट कब आएगी और आप लोग कैसे चेक करेंगे, किस जगह जाएंगे, कहां पे, जो कि आपको पता चलेगी। तो चलिए फाइनली वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो कर दीजिए लाइक, साथ ही वीडियो कर दीजिए शेयर। ठीक है, देखिए आप सभी लोग जो कि न्यू फॉर्म अप्लाई किए हुए स्टूडेंट हैं, ठीक है, और चौथी मेरिट लिस्ट में करेक्शन जो किए हुए हैं, ठीक है, बात करेंगे चौथी मेरिट लिस्ट जो करेक्शन के स्टूडेंट हैं उनको, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर SCVT.in आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैं लॉग इन किया SCVT.in, इस पर जो आप लोग का जो है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेरिट लिस्ट जो है कि आप लोग इसी पे देखिए SCVT.in पे देखते हैं, आप सिली वेबसाइट पे जो कि आप लोग देखे थे। ठीक है, तो आप लोग का फोर्थ मेरिट लिस्ट कहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि चौथी मेरिट लिस्ट कब आएगी और मैंने कहा था कि चौथी मेरिट लिस्ट आप लोग कैसे चेक करेंगे, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनली बात करेंगे आप लोग चौथी मेरिट लिस्ट जो है कि कहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जिस कॉलेज में अपना जो कि चौथी मेरिट लिस्ट करेक्शन किए हुए हैं, कॉलेज में अपना जो है कि फॉर्म करेक्शन किए हुए हैं, ठीक है, जिस कॉलेज में आप लोग करेक्शन किए हुए हैं उस कॉलेज में आप लोग डायरेक्टली जाएंगे। और आप लोग कब जाना है आप लोग को देखिए मैं अप्रैक्स डेट बता रहा हूँ, एक दिन पहले मैं आप लोग को सटीक और राइट जानकारी दे देता हूँ जो गवर्नमेंट से लेटर आता है। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही आप लोग का लेटर आएगा जो कि आप लोग का डेट जो कि फिक्स किया जाएगा, उससे पहले गवर्नमेंट ITI पे, प्राइवेट ITI पे एक लेटर आता है जो कि लखनऊ से, ठीक है, मेन ITI से, तो आप लोग को एक दिन पहले ही मैं जो कि आप लोग को सटीक जानकारी दे देता हूं। तो इससे पहले अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आप लोगों को फ्रेक्स डेट में बता रहा हूं, 26 से आप लोग को 26 से 27 28 तीन दिन के बीच में आप लोग का जो है कि मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, आपसे आज से आपका लगभग 3 से 4 दिन में मेरिट लिस्ट, चौथी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, आज से 3 से 4 दिन में आप लोग को चौथी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। इससे पहले जैसे गवर्नमेंट से कोई लेटर आता है, ठीक है, चौथी मेरिट लिस्ट को लेकर, तो मैं आप लोग को जो कि सटीक जानकारी दे दूंगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करेंगे कि आप लोग कैसे पता करेंगे चौथी मेरिट लिस्ट कहाँ पर है, तो आप लोग जिस कॉलेज में, ठीक है, आप लोग जिस कॉलेज में अपना जो कि करेक्शन किए होंगे, ठीक है, आपको उस कॉलेज पर डायरेक्ट जाना होगा और आप लोग को नोटिस बोर्ड वहाँ पर लगी रहेगी, आप लोग को उस नोटिस बोर्ड में आप लोग का जो कि रैंक लिखा रहेगा और आपका नाम लिखा रहेगा, आपको कौन सा ट्रेड अलाट किया गया, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से नोटिस बोर्ड पे जाके फाइनली देखेंगे और आप लोग को जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएंगे, आपको वहाँ पे एडमिशन भी दे दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही हम बात करेंगे कि आप लोग यदि चाहते हैं जिस जिले में आए हैं आप लोग, ठीक है, जिस जिले में आप लोग के जिले में एक नोडल ITI होता है, जो कि एक ITI का वो जो कि मेन होता है, ठीक है, आप लोग यदि 2 से 3 ITI भरे हैं तो यदि आपके पास में नोडल ITI जो है सबसे मेन ITI है जो गवर्नमेंट की ITI कही जाती है, उसके थ्रू आप लोग को प्राइवेट ITI और जो कि गवर्नमेंट की जो 1 से 2 ITI चलाई जाती है, ठीक है, तो आप लोग के जिले में नोडल ITI आप लोग वहाँ डायरेक्ट जाएंगे, वहाँ पर नोटिस बोर्ड लगी रहेगी, आप लोग की सारे जो कि जगहों की मेरिट लिस्ट वहाँ पे लगाई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग नोडल ITI पे भी जाके पता कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले अगर आप लोग 2 से 3 कॉलेज भरे तो आप लोग कॉलेज पे डायरेक्ट जाके नोटिस बोर्ड पे भी देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे जो स्टूडेंट समझ में आ गए होंगे आप लोग को चौथी मेरिट लिस्ट कहाँ देखना है। इससे पहले जैसे कोई भी नोटिस आता है, गवर्नमेंट से लेटर आता है, मैं आप सभी लोग को जो कि इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। ठीक है, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।